नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजीपी ने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश, पेंडिंग मामलों की समीक्षा। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, खगड़िया में पदस्थापित दरोगा आशीष हत्याकांड का अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 3 ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द, पटना जाने में यात्रियों के छूट रहे पसीने। शहर के हृदय स्थली घंटाघर चौक पर लगा कूड़े कचरे का अंबार, नगर निगम बना उदासीन। और कला केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय रंग कथा का हुआ समापन, चित्र प्रदर्शनी देखने उमड़ी लोगों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को क्राइम कंट्रोल के निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। रविवार को भागलपुर डीआरडीए परिसर स्थित एनआईसी बिल्डिंग में डीजीपी ने आईजी से लेकर डीएसपी तक के अधिकारी से क्राइम कंट्रोल को लेकर सीधा संवाद किया और कई महत्वपूर्ण केसों की भी समीक्षा की। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से हर हाल में क्राइम कंट्रोल करने की बात कही, साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कुख्यात अपराधी टेरा मंडल की जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करे। डीजीपी ने संवेदनशील इलाकों में विशेष कार्रवाई का निर्देश देते हुए नियमित गश्ती करने, पेंडिंग मामलों का निष्पादन करने, आईजी और डीआईजी को 10 दिन क्षेत्र भ्रमण करने और रात्रि विश्राम करने का भी निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आईजी विनोद कुमार, डीआईजी विकास वैभव, एसएसपी आशीष भारती, नगशिया एसपी निधि रानी, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीएसपी राजवंत सिंह मौजूद थे। बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के दौरान खगड़िया में पदस्थापित दरोगा आशीष कुमार सिंह की हत्या के अभियुक्त अशोक मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ के आईजी सुशील मानसिंह खोपड़े के निर्देश पर एसपी रंजीत मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल छापेमारी की गई, जिसके बाद एसटीएफ ने अभियुक्त को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि अशोक मंडल की गिरफ्तारी भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित राघोपुर गांव से हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले साल अशोक मंडल को गिरफ्तार करने गए थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह की मंडल गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दिनेश मुनि गिरोह भी शामिल था। इस दौरान अपराधियों ने थाना प्रभारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और घटना के बाद से पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। दानापुर में चल रहे रेलवे रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर रविवार को पटना के लिए भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा विक्रमशिला एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। RRI वर्क 19 जून तक चलना है और इस बीच भागलपुर से सीधे पटना के लिए यात्रियों को इन्हीं 4 ट्रेनों के भरोसे रहना पड़ेगा। विक्रमशिला एक्सप्रेस के रवानगी से 12 घंटे बाद रात्रि में फरक्का एक्सप्रेस पटना रूट से चलेगी, जिसके बाद पूरे दिन पटना के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अपर इंडिया एक्सप्रेस, सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस और दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन रविवार से 19 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मेल, अजमेर एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, LTT एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रविवार को बदले रूट से रवाना हुई। भागलपुर शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर चौक पर बने दीप नारायण सिंह स्मारक के समीप कचरे का ढेर लगा है और इसकी साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। नगर निगम की ओर से साफ सफाई का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगा कचरे का अंबार नगर निगम की सफाई व्यवस्था का पोल खोलने के लिए काफी है। शहर की हृदय स्थली होने के कारण इस मार्ग से वाहनों और राहगीरों का आवागमन निरंतर होता रहता है। बाजार की ओर जाने वाले लोगों के साथ अक्सर अधिकारियों का काफिला भी इसी मार्ग से गुजरता है, लेकिन किसी को इस स्मारक की गरिमा और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद दीप नारायण सिंह स्मारक के अलावा शहर के विभिन्न स्मारकों के सौंदर्यीकरण की चर्चा तो काफी हुई, लेकिन क्या कचरे के ढेर के बीच सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी दिखेगी, यह अब भी एक बड़ा सवाल है।
भागलपुर कला केंद्र में रविवार को 2 दिवसीय रंग कथा का समापन हो गया। कार्यक्रम का आयोजन कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा किया गया था। पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और मंजूसा लोक चित्रकला प्रदर्शनी के अंतिम दिन कई कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान प्रदर्शनी को देखकर लोगों ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। वहीं स्थानीय कलाकार मिंटू म्यांदा द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय एकता पर आधारित पेंटिंग और मधुबनी के कलाकारों की पेंटिंग ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं कला केंद्र के प्राचार्य रामलखन सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती छात्रों ने वर्तमान छात्रों को कलाकृति बनाने के कई तरीके बताए। डीआईजी साहब ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किए और उन्होंने देख करके सराहे। यह प्रदर्शनी हमारे पूर्ववर्ती छात्रों का है जो अपनी कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया और वर्तमान छात्रों को कुछ संदेश दिए कि तुम लोग भी आगे बढ़ कर के इसी तरह से करते रहो, ताकि कि कलाकारों का झुंड बना रहे और कला केंद्र का विकास की सीढ़ी आगे बढ़ते रहे। आज समापन दिन है, अंतिम दिन है, VC सर आएंगे, देखेंगे प्रदर्शनी को और जो है उसमें मेमेंटो दे करके, कला केंद्र के मेमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे हमारे पूर्ववर्ती छात्रों को। ये राष्ट्रीय एकता की पेंटिंग में लगी है और बहुत और पीस है, बुद्धा पीस से लेके और नेचर से लेके हर तरह से राष्ट्रीय स्तर की ये सब पेंटिंग सब लगी हुई है और लोग गुजरात से भी आए हुए हैं, अहमदाबाद से भी आए हुए हैं और प्लस हजारीबाग है, रांची है, पटना है, बहुत जगह से लोग सब आए हुए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। आइए देखते हैं अगली खबर। भागलपुर शहर के विभिन्न बैंकों के ATM में कैश की किल्लत हो गई है और ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ATM में कैश नहीं रहने से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बाजारों पर भी इसका व्यापक असर पड़ रहा है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोग बैंक जाकर भी पैसा नहीं निकाल सके और ATM का चक्कर लगाते रहे। जिस बैंक के ATM में कैश डाला गया था वह भी लोगों की भीड़ और जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं था। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर के बैंकों में कैश की किल्लत चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी कैश की कमी होने की बात बैंकों द्वारा पूर्व में ही बताई गई थी। खासकर रोजमर्रा की जरूरत और खुदरा व्यवसाय अधिक प्रभावित हो रहा है। हालांकि अब जल्द ही भागलपुर के बैंकों एवं ATM में कैश की किल्लत खत्म होने की बात कही जा रही है। परेशानी हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ अभी घर, जरूरी पैसा था निकालना लेकिन नहीं निकल पाया, इसके लिए परेशानी तो है क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ लेना होता है बिना पैसा के, आजकल क्या होता है। ऑनलाइन सुविधा से तो ट्रांजेक्शन हो जाता है, कहीं भेजना या कहीं निकालना, लेकिन खुद का खर्चा के लिए तो कुछ कैश पैसा चाहिए ही। SSB और बांका पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में फरार नक्सली श्रीकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSB ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की सुबह आनंदपुर थाना क्षेत्र के दहीवारा गांव में छापेमारी कर नक्सली को घर से धर दबोचा। पकड़े गए नक्सली के ऊपर विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। SSB इंस्पेक्टर श्याम किशोर सिंह ने कहा कि लंबे समय से फरार नक्सली की तलाश में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल SSB के जवान ने पकड़े गए आरोपी को बांका पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं बांका पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। छापेमारी के दौरान SI हेमंत राज, कुलवीर सिंह, राजेश कुमार, कुबेर सिंह मौजूद थे।
भागलपुर शहर में गर्मी का सितम जारी है और जेट की तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी भी लोगों को खूब सता रही है। तेज धूप के कारण जहां लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के लिए घर से निकलने को विवश हैं। अब ऐसे में गर्मी से राहत के लिए लोगों की बड़ी जरूरत बन गई है देसी फ्रिज, जिसे आम भाषा में सुराही कहते हैं। सुराही की बिक्री इन दिनों बढ़ गई है और राह चलते लोग अपने घरों के साथ कार्यालय के लिए सुराही की खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुर के घंटाघर स्थित सड़क किनारे लगी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों में सुराही सजाकर रखी गई है, जिससे लोग इसकी खरीदारी कर सके। आमतौर पर फ्रिज का इस्तेमाल करने वाले लोग भी बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य के कारणों से सुराही को अधिक पसंद कर रहे हैं। सुराही विक्रेता शंभू पंडित ने कहा कि वह लंबे समय से इस पेशे से जुड़े हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा व्यवसाय पर काफी असर पड़ा है। दुकानदारी थोड़ा सा नॉर्मल है, इसलिए फ्रिज निकलने से इसके कारण से मिट्टी बर्तन का दुकानदारी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। और जैसे जिसके घर में फ्रिज भी रहता है, तो जिसको कम ठंडा पीने वाला रहता है, वो सुराही लेता ही है। 2 साल से तो बाजार नॉर्मल था, अब की साल ठीक ठाक ही है। भारतीय शिक्षा समिति की ओर से भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के 20वें दिन प्रांत प्रचारक राणा प्रताप सिंह ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और शिक्षा ज्ञान कौशल और सही गलत में फर्क करना सिखाती है। देश समाज सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का दायित्व शिक्षकों के कंधों पर है और शिक्षक ही सही मार्गदर्शन करते हैं। इस दौरान प्रांत प्रचारक राणा प्रताप सिंह और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री हिमांशु वर्मा ने आचार्य वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित श्वेत प्रज्ञा पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विभाग प्रमुख राकेश नारायण अम्बस्त्र, डॉक्टर धीरेन्द्र झा, रमेश चंद्र द्विवेदी, शशि भूषण मिश्र समेत काफी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। भागलपुर के चुनिहारी टोला स्थित प्राचीन खाटू श्याम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा के दौरान बाल व्यास अनुराग कृष्ण जी ने भागवत कथा का प्रवचन किया। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर श्रद्धालु झूमते रहे और भागवत कथा का आनंद लिया। बाल व्यास अनुराग कृष्ण जी ने कहा कि भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। भागवत कथा मनुष्यों को सन्मार्ग की ओर ले जाता है और धर्म एवं सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए भागवत कथा और इसका अनुष्ठान का होना आवश्यक है। इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में लोगों के पास धार्मिक अनुष्ठान के लिए समय नहीं होता है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के लिए काफी समय होता है। इस अवसर पर शालिग्राम भगत, गोपाल शर्मा, श्याम सुंदर गौर, राहुल शर्मा, आशीष कुमार समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से DGP ने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश, पेंडिंग मामलों की समीक्षा। बिहार STF को मिली बड़ी सफलता, खगड़िया में पदस्थापित दरोगा आशीष हत्याकांड का अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 3 ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द, पटना जाने में यात्रियों के छूट रहे पसीने। शहर के हृदय स्थली घंटाघर चौक पर लगा कूड़े कचरे का अंबार, नगर निगम बना उदासीन। और कला केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय रंग कथा का हुआ समापन, चित्र प्रदर्शनी देखने उमड़ी लोगों की भीड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।